देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रुझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची तुमसर बस स्टैंड एरिया की। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, स्वागत है, मेरे मिश्रा। हम यहाँ पे तुमसर के बस स्टैंड पर मौजूद है। यहाँ चाय की चौपाल की जो पूरी टीम है, यह तुमसर के बस स्टैंड पर यहाँ पे एकत्रित हुई है। ये इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि लोग अपने उम्मीदवार को किस तरह या किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। हाँ सर, उम्मीदवार वो जो इस क्षेत्र का रोजगार और जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट और नया जो भी केंद्र से जो भी कुछ आता है वो फर्स्ट ये एरिया में लाए। ऐसा तो यानी ऐसा पार्टी का कोई बंधन नहीं है, उम्मीदवार किसी भी पार्टी हो बट वो विकास उम्मीदवार बोले तो अभी तो मोदी जी है जी, मोदी जी है तो मुमकिन है। यानी एक पक्षी है ये विचार है आपका? नहीं, आपने बोले इसलिए बताया। जी 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 जी, तो आप चाहते हैं मोदी सरकार यहाँ पे दोबारा आए? बिल्कुल, एक ही नहीं जी। थैंक यू सर। हाँ सर, आप कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को? मोदी जी की लहर चल रही है और उन्हें भी चाहिए क्योंकि जो जिस तरह से विकास हो रहा है देश के अंदर, आज हमारे तुमसर में देख लीजिए ये जो रोड बन रहा है जी। ये अभी तक की तुमसर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नगर परिषद में करोड़ों से रकम आई, 45 करोड़ रुपए पानी की योजना के लिए जी। तो वो पानी की योजना चालू हो गया काम जी, बाकी सब काम हो रहे हैं, पूरे देश में रोड के काम हो रहे हैं, इतना तेजी से विकास हो रहा है जी, इसी बार हो रहा है। पर इसी पे कुछ लोग जो आक्षेप उठा रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, कोई विषय ही नहीं मैडम, उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं बोलने के लिए कि टिकट टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मोदी जी आएंगे इस बार तो हम लोग बोलते हैं 400 के पार। थैंक यू सर। लेकिन अच्छे से करने वाली दूसरी पार्टी है कि जो अच्छे से कर सके कर सकते हैं, अगर उनको अगर मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो 60 सालों में नहीं हुआ है वो हो सकता है। और हमेशा क्या होता है, एक ही चीज, आप इसको एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं, जो कांग्रेस की सरकार है वो पारिवारिक सत्ता है जी, और ये जो बीजेपी की सरकार है इसमें कोई वंश का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? मैडम वो देखो, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि दोनों की पहलू एक ही, मैडम मुझे लगता है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस तो कोई बीजेपी, मैडम मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का पहलू मैडम एक ही है, तो मैं चाहता हूँ थर्ड पार्टी को किसी को अगर मौका मिल जाए। जब आप ये कह रहे हैं कि दोनों का पहलू एक ही है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सत्ता के लिए ये सब किया जा रहा है? यस मैडम, ये सत्ता के लिए है। अगर वाकई में देखो मैडम, 60 सालों से एक ही मुद्दा रहता है, क्षेत्री का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, 60 सालों से यही मुद्दे पे क्यों, तो किस मुद्दे पे लड़ कौन रहा है? मैं चाहता हूँ जो 60 साल से वही बात चल रही है, रोजगार का जो विकास होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने 52 चौक में चौपाल लगाई, वहाँ पे एक किसान आए, वो खुद होके आ गया है। हाँ। उन्होंने ये कहा कि उन्हें वो सारी सुविधाएं मिली जो मोदी सरकार ने कही थी। अब तो मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखो अभी कैसा है, वो उनको मिली कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कंसर्न में उन्होंने साक्षात्कार दिया है मेरे सामने, जो मेरे दोस्त है कजिन से जो शेतकरी, मैडम अभी तक उनके पास मतलब ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए मैंने बोला मैडम कि अभी चांस। भविष्य में आप लोकसभा उम्मीदवार किसे देखते हैं? मैडम मैं बता नहीं सकता क्योंकि दोनों का नाम नहीं लेना चाहता, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, क्योंकि मैडम के साथ एजुकेटेड लोग हम चाहते हैं कि हम जो भी विचार करें हम ऐसा नहीं, सरकार आए जो हमारा विकास करे। यस मैम, जी मैडम, पक्ष मैडम कैसा, पक्ष एक नाम है पक्ष, लेकिन आदमी चाहिए, आदमी वाला चाहिए, पक्ष वाला नहीं चाहिए, पक्ष वाला नहीं चाहिए, हम आदमी, हमको आदमी चाहिए, पक्ष आदमी नहीं। नेता से हमारे साथ जुड़ा रहे जी मैडम, वो हमेशा हमेशा बोले हमको कि हमारे साथ में हो, हमारी पार्टी नहीं बोलने को ना, मैं
मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, और सभी लोग यही बोलते हैं मोदी जुड़ा है, मोदी साथ में मैं पार्टी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप मुझे पैसा देना चाहिए, हेल्पलेस करने वाला मैडम चाहिए। जी जी हाँ सर, आप किस तरह देखते हैं चुनाव को? चुनाव क्योंकि जो चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए वो यही के चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, कोई पक्ष से ऐसा कोई विलोम नहीं करता, ना जातिवाद ना कुछ, कुछ अच्छा हो रहा है बोले दो चाहिए, कुछ अच्छे कैंडिडेट है उनको आने दो, जो कुछ विकास कर सकते हैं उनको आने दो। जी यानी किसी राजकीय पक्ष के नहीं 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 ऐसा मैं नहीं बोलेंगे आप, मैं बोलना ही चाहता इसलिए गांव का विकास हो देश का विकास हो जिस चीज में अच्छा होता है वो चीज को अपना चाहते हैं, इसमें कोई पक्ष नहीं कोई नहीं। तो सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं? नहीं मोदी जी मेरे साथ में रहेंगे, मोदी जी के साथ में रहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सातम सर में हमारे आमदार साहब है चरण भाव बागमारे उनको मैं लाइक नहीं करता। ओके ये आपका पर्सनल मत है, या का इससे हमारा चैनल सहमत नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं ये इनका पर्सनल, ये मेरा पर्सनल है जो दे रहे हैं, क्योंकि वो विकास के लायक नहीं है जी, क्योंकि उनके साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं, अभी नहीं भाई जो मेरे साथ में है अभी जुड़े हैं। आप किसी और को मौका देना चाहते हैं? नहीं वो विधानसभा में नया चेहरा मिलेगा जी, लेकिन अभी जो है मोदी का विकास गलत नहीं है, हां हां लोकसभा के लिए मेरे को लगता है जो अच्छा करेगा विकास करेगा वो आएगा जी। हां सर देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, यहाँ जातिवाद ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं होना इससे देश का विकास नहीं होना है। जी जी ये देश संविधान से चलता है, हाँ, और संविधान से चलना चाहिए, पहुँचनी चाहिए। जी बोलिए सर। मोदी जी हम सबको देखिए, आप मीडिया के थ्रू में बताना चाहता हूँ मोदी जी को कि हम सबको देखिए, यहाँ पे बाकी लोग जो है राजकारण मत करिए, हम भी है जनता, जनता को देखिए, जनता का भला कीजिए, हम आपके साथ में है, मोदी के साथ में भी है, और हम कांग्रेस को खिलाफ नहीं है लेकिन मोदी जी के साथ में इसलिए है कि मोदी जी नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए मोदी के साथ में हूँ, और मैं नागपुर के लिए नाना बाबू को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, किसका दूसरा नाम है मोदी जी? आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, आज छोटी सी योजना पकड़ ली 12 रुपए में एक गरीब को एक्सीडेंट क्लेम मिल रहा है, पहले मिलता था क्या? नहीं मिलता था। 333 में कोई गरीब अगर मरता है तो उसको 2 लाख पहले मिलता था क्या? अपना आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब को 5 लाख तक का जो मेडिक्लेम मिल रहा है वो पहले मिलता था क्या? और लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए आप? बराबर है सर, आइए ना सर जुड़िए, इधर आ जाइए सर। आप किसी पार्टी को, आज जनता किसी भी पार्टी को, मैडम आज जनता किसी भी पार्टी को अगर वोट देती है तो वो किसको दे रही है? महागठबंधन को दे रही है, महागठबंधन को दे रही है, उनका नेता कौन है? उनमें यूनिटी है? नहीं, वो तो खुद झगड़ेंगे, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री सत्ता के लिए, तो उनका कोई विशेष चेहरा नहीं है उनके पास, और मोदी जी के पास एक स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट व्यक्ति है जो कोई भी डिसीजन मेकिंग है डिसीजन खुद लेते हैं। मी म्हणतो की काँग्रेस ने जे 65 साल एवढा राज्य केला जो जेवढा केला नाही तेवढा मोदी जी ने 5 वर्षात खूप काय करून ठेवला, आणि मी मोदी जी एक नंबर पक्ष, मी पहिले राकामणी होतो देशमुख मेंबरला 8 वर्ष वोट देत होतो, पण आता खिलाफून जेपर्यंत जे मोदीजी निवडून आले आणि जे कार्य केलं या देशासाठी, जे काय केले रोड बनवले सर्व काही केले आणि जे काय केलं ते म्हणजे आता जे कोणी मरणपर्यंत पैसे मिळतात ते मिळतात, ज्यांनी जे काही केलं बहुत सही आहे, हा बहुत सही आहे आणि सत्य माणूस आहे आणि तोच या देशाला चालू शकते आणि तोच त्या देशाची भला करू शकते। मोदीजी काँग्रेस सरकार करप्ट आणि बेकार सरकार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित रह सकता है जी, दूसरे के हाथ में दिए इस देश में और कुछ डगमग हो सकता है, इस देश का इस्लामीकरण कर सकता है जी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। हाँ सर, आप बुजुर्ग हैं सर, आपने दोनों सत्ताएं देखी हुई है, यानी आपने वाजपेयी की भी सत्ता देखी है, सभी देखी है, सभी देखी है, कांग्रेस की देखी है और मोदी की देखी है। मोदी जी का जो अभी विकास चल रहा है मैं उससे बहुत प्रभावित हो गया, यानी प्रभावित हो गया, आकर्षित हो गया, और ये सबका साथ सबका विकास जो है ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा विकास आगे होना चाहिए, हम ऐसे चाहते हैं। आप
युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को उनके साथ में लगे रहे मोदी जी के साथ उनके साथ लगे रहे। अभी पहली बार वोट करने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो न्याय उनके लिए अभी चांस आ गया, उनके लिए जो देश की उन्नति के लिए वो मोदी सरकार समझदारी से वोट करें, समझदारी से वोट करें। मोदी जी जो है वो अंत्योदय के लिए ज्यादा सोचते हैं, जो सबसे गरीब वर्ग है यहाँ का, जो सबसे गरीब वर्ग है यहाँ का उसके लिए सोचते हैं। अभी तक के कांग्रेस ने घर पर योजना दी एक विशिष्ट वर्ग के लिए, हमारे मोदी जी ने बोला उनको भी दे और जो जनरल जो गरीब है सबको सबको घर कुल दे, उन्होंने सबके लिए काम करे। आज हमारे तुमसर में जो 65 साल में इतना फंड नहीं है, 65 साल में इतना फंड नहीं है, 65 साल में इतना फंड पूरा विकास हो रहा है मोदी जी, इसमें विकास हो सकता है या बाकी पार्टी विकास नहीं कर रहा है। भंडारे जिले में 70 साल से आज तक के जो काम नहीं हुए वो मोदी जी ने 5 साल के अंदर किए। यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता रहने के बाद में पूरा रोड नली कुछ भी नहीं था। आज बीजेपी सरकार 5 साल में आई, 70 साल से भी ज्यादा उन्होंने काम नहीं किए, उन्हें काम 5 साल में हुए। अगर और 5 साल सरकार रही तो क्या बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले जब आई थी तो हमारी क्षेत्र ने भंडारा बंद किया, क्षेत्र ने मोदी जी की भरपूर साथ दिया, यहाँ से नाना पटोले नामक एक सांसद को भी चुन के दिया जो निष्क्रिय रहा। वो सांसद के निष्क्रिय रहने के बाद भी मोदी जी ने क्षेत्र पे दुर्लक्षण किया, क्षेत्र का विकास हुआ है। यानी यहाँ का सांसद रेगुलर निष्क्रिय रहा, नाना पटोले सांसद निष्क्रिय रहा, उसके बाद भी यहाँ पर विकास कार्य हुआ है। यानी से यह समझ में आता है कि मोदी जी की नजर हर क्षेत्र पर हर वर्ग में हर है। जो मोदी जी का नारा था आते बराबर सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। मैं किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। 5 साल में 5 किलोमीटर के नहर का विकास पानी नहीं जा सकता जी, तो विकास की बात का हुआ? रोड सिर्फ रोड बने 20% की कमीशन बन गई सबकी, तो पूरी पाइपलाइन की गई ऐसा यहाँ रोड बने नल्ले बने 20% सबकी कमीशन बनी, पर बाकी जब जिसका मुद्दा होना चाहिए। तो आपका कहना ये है, आपका कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार जब किसानों को पानी मिलना चाहिए, मैडम किसानों को जब पानी का मुद्दा आ रहा है तो 5 किलोमीटर के ऊपर में नहर को पानी नहीं गया। अभी जाके देखो पूरी कैनाल के बाद में पानी नहीं आ रहा है। अभी मुझे बावन का चौक में एक किसान ने जो बहुत बुजुर्ग है, शायद उन्होंने बहुत पहले की भी सत्ता देखी हुई है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनको जो भी मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे किए, उनके अकाउंट में पैसे आए, पैसे धान का प्रॉपर मुआवजा मिला, बोनस स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, बोनस मिला। आप बोल रहे थे कि किसानों के खाते में पैसे आए, पैसे आए जी, प्रूफ दिखा था जी। डेढ़ एकड़ के अंदर ये देखो बराबर कैमरा मारो उसके ऊपर अच्छे से देखो किलो। 2019 जिस प्रकार से पिछले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब मोदी सरकार जब 2014 में जो इलेक्शन के पहले जो उन्होंने मुद्दे रखे थे कि हम देश के अंदर में राज्यों के अंदर में जिले के अंदर में कई प्रकार के विकास के नाम पे जो लोगों को गुमराह पद्धति से बताया गया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपको ऐसा लगता है विकास नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये गुमराह पद्धति से लोगों से खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि जो लोगों को इन्होंने बताया इनके जो एजेंडे थे 2014 के जो एजेंडे थे जो एजेंडे में लिखा गया था, आपके आपके हिसाब से रोजगार का कंसेप्ट क्या है? रोजगार का जो उन्होंने बताए थे कि जो पिछली जो सरकार रेगुलर हिसाब से जो रोजगार
मिलते था, जो नौकरियां मिलती थी, वो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ नौकरी ही रोजगार है? हाँ, कैसा नहीं देखो, स्वयं रोजगार तो मैं आ रहा हूँ। सरकार ने चलाया जो, देखो रोजगार के अलग अलग माध्यम होते हैं। एक किसान अगर खेती में, अगर किसान अगर खेती करता है तो वो भी ये चाहता है कि सरकार के माध्यम से किसान को कौन सा बेनिफिट मिले। मगर जो किसान के बारे में मोदी सरकार ने वो भी एजेंडे में विषय रखा था, वो हिसाब से मोदी सरकार ने किया नहीं। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल। उठ किस करवट बैठेगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।